हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के सम्राट नगर में नाजिश नाम के युवक का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। नाजिश का कई लोगों पर वार करने की खबरें अब तक सामने आ चुकी हैं। ऐसे ही कल रात के समय नाजिश ने एक उदय भालचंद्र कदम नामक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। उदय ने बताया कि रात के समय सम्राट नगर आइकॉन अस्पताल के बगल वाली गली से वो जा रहा था और मामूली सा धक्का लगने की वजह से नाजिश ने चाकू से उदय के चेहरे पर वार कर दिया। 4 से 5 टांके उदय के चेहरे पर लगे हैं। इसी तरह से सागर नामक युवक से भी नाजिश का कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। सागर ने बताया कि पुलिस स्टाफ के लोगों को नाजिश गाली दे रहा था और मना करने पर नाजिश ने मारपीट की, रिवाल्वर भी निकाल कर उसे डराया धमकाया। यानी कि सम्राट नगर में नाजिश का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लोग नाजिश के खौफ में जीने को मजबूर हैं। नाजिश और उसके साथी आए दिन वार जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सागर और उदय, ये दोनों लोगों ने मुमरा पुलिस स्टेशन में नाजिश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, मगर पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नाजिश को भाई बनने का भूत चढ़ा हुआ है। खुलेआम हथियार लेकर घूमता है और किसी पर भी मामूली बात पर हमला कर देता है। शिकायत दर्ज होने के बाद भी हमारे खबर कवर करने तक नाजिश को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। जानकारी के मुताबिक डिटेक्शन ब्रांच की एक टीम नाजिश की तलाश में जुटी हुई है, मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुमरा में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि भाई बनने और फेमस होने के लिए पुलिस स्टाफ तक को गाली अपशब्द देते हैं और पुलिस ऐसे अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है। पूरी घटना पर उदय और सागर ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। क्या नाम है आपका? उदय भालचंद्र कदम। कैसे हुआ ये आपके साथ ये घटना? वो कल रात 2:30 बजे में सम्राट नगर से निकला ना, तो इधर से घर पे जा रहा था रास्ते से, तो वो नाजिश करके एक लड़का है, उसने आके मेरे को डायरेक्ट इधर चाकू से हमला कर दिया घर पे जाते थे। कैसे हुआ था ये पूरा मामला, हुआ कैसे? मतलब मैं इधर से घर पे जा रहा था ना, तो वो लोग उधर खड़े थे, तो एक जानबूझ को मतलब ऐसा धक्का लग गया उसका, हाँ गलती से, तो उसने फिर डायरेक्ट मेरे को मारना चालू कर दिया। वहीं रहता है? हाँ उधर ही, आइकॉन के इधर मारा। कितने लोग थे वो लोग? 2-3 जन थे वो लोग। अच्छा, तुम्हारी उससे पुरानी झड़प या ऐसा? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। तुम्हारा कोई जान पहचान? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पुलिस में शिकायत कराई आपने? हाँ शिकायत करे। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस बोले कि कार्रवाई करेगी। क्या कलम लगी आपको कुछ पता है? वो नहीं, अभी तक नहीं। कुछ नहीं, कुछ अभी तक कुछ नहीं। मेडिकल करवाए? हाँ मेडिकल करके। कितने टाके आए? 5 टाके आए। तो ये एक ही जगह पे वार है? हाँ इधर और इधर वार। सागर भाई, क्या हुआ था आपके साथ भी कुछ दिन पहले इसी तरह की घटना पेश आई? वही तो नाजिश था। उसके जो 4 भाई है, टोटल 5 भाई है, वही लोग ने मेरे को भी ऐसी हुआ था। मैं खाली बस इधर पुलिस चौकी के बगल में स्टाफ को गाली दे रहा था, उसकी वजह से ये हो रहा था। किसको गाली दे रहा था? स्टाफ को गाली दे रहा था पुलिस स्टाफ को। हाँ तो इसलिए फिर मेरा और उसका उज्जा, तो मतलब छोड़ा क्या के लिए गाली दे रहा है, इसमें झगड़ा हो रहा था, इसलिए मैं छोड़ा नहीं ले गया। मतलब दूसरा आपस में था, उनका झगड़ा हुआ था, तो फिर उसको छुड़ाने गया, तो उसने घोड़ा निकाला था, तब से मैं उसको मैं पूछने के लिए गया। वो लोग कोई नाजिश था, उसके 2-4, 5 भाई थे वो लोग, वो लोग ने सीधा मेरे को टैरिज में लेके गए, सीधा मारना चालू कर दिया टैरिज के नीचे। जो वीडियो है, जो मेरे को ही मारा था वही वीडियो है। और फिर उन लोग ने फिर अभी देखो, ये इसका तो कुछ रीज़न नहीं था, इसको भी सीधा वार खींचे। हम तो आम पब्लिक है, मतलब सादे लोग हैं, तो फिर हमारे ऊपर भी ऐसा आरोप लगाया है, ये बेचैन करता है, ये करता है, वो करता है, तो हम लोग कौन से तरफ से बेचैन वाले लगते हैं? हम तो बस कॉर्पोरेट कर रहे थे, बस अपने स्टाफ को गाली दिया इसलिए। अरे उन लोग ने खुद ने ये सब जो करके लिया, हाथ तोड़ के लिया है, वो मुंह पे वार लगा के लिया है, वो खुद ने किया है, बाकी हम लोग ने कुछ किया ही नहीं। आप करते क्या है, कहाँ रहे? मैं अब अनिल कोलियाड़ा में रहता हूँ, मेरा नाम है सागर। अरे
तो इसके बंदे के ऊपर ये हुआ है, वार खींचा। अभी देखो, अभी हमारे को न्याय मिलना चाहिए। अरे मैंने भी तीन दो बार एनसी डालेला है, अरे ये तीसरा एनसी है, एक हफ्ते के अंदर तीसरा एनसी हुआ है। जब हुआ था ये वारदात घटना, उस वक्त आप पुलिस में कंप्लेंट किए थे? हाँ, कंप्लेंट किए थे। दो FIR का अभी मेरे है और एक का अभी इसका जो मिलेगा अभी। अभी तक पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किए? नहीं किए। अभी जो अभी देखते हैं, अभी इसके ऊपर इतनी डेरिंग बढ़ते जा रही है, इतनी चालाकी बढ़ते जा रही है, क्या वो आए दिन किसको करते जा रहा है, आए दिन किसको भी वार खींचते जा रहा है। मेरे चलो इसके ऊपर खींच अकल, मेरे पे करेगा तो फिर कैसा चलेगा। तो इसके ऊपर अभी कुछ ना कुछ तो एक्शन होना चाहिए ना, उसके ऊपर सबसे ज्यादा कार्रवाई करो। पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? और उसने एग्जाम भी लगाया है, पुलिस लोग के ऊपर पैसा खाया है वो मैक्चुअली, उसने बोलो सर ने बोलो पुलिस स्टाफ लोग ने किसी ने पैसा नहीं खाया, वो खुद भाग के चला गया इधर चौकी से।